राइट गाइज, मैंने पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया था फ्लिपकार्ट अमेजन, अभी जो जॉब्स का एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्नैपडील्स कंपनी जॉब्स इन कोलकाता। दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अभी ब्रांडिंग कंपनी में जॉब्स के रिक्वायरमेंट चल रहे हैं तो बार बार एक ही चीज़ का रिपीटेशन क्यों करता हूँ कि वीडियो को एंड तक वॉच कर लो। देखो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच कर लो ताकि इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ना वो आपको तुरंत कलेक्ट हो, उसके बाद आफ्टर देन आप जॉब्स कर सको। सो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक भाई जरूर करें, आपको आपका एक लाइक किया हो ना हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है ना, आई थिंक बहुत ज़्यादा। तो चलिए वीडियो को लाइक अभी कभी कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं जॉब्स की तरफ और एक्सप्लेन करते हैं जो भी जॉब्स हमारे पास में आया हुआ है। ये जो मैं जॉब्स का एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्नैपडील्स कंपनी जॉब्स इन कोलकाता, स्नैपडील वेयर हाउसेज पैकिंग पिकिंग जॉब्स इन कोलकाता, पोस्टिंग क्या होने वाला है। लाइक आपको बता दूं, एक वेयर हाउसेज में जो आपका काम होता है वही से रिलेटेड आपका काम होने वाला है। लाइक पैकिंग पिकिंग सॉर्टिंग स्कैनिंग रैकिंग मूविंग ट्रेसिंग एंड जो भी एवरीथिंग जो पोजिशंस होते हैं वेयर हाउसेज में वही काम होता है। ड्यूटी की बात करें तो 9 आवर्स की ड्यूटी होने वाली है, 9 आवर्स की शिफ्टिंग होने वाली, वीकली 1 डे ऑफ है, मतलब साप्ताहिक आपको एक छुट्टी भी देखने को मिल जाएगा। ये एक बड़ा प्लस पॉइंटेड है जो नोट कीजिएगा, ठीक है। वीकली 1 डे ऑफ है। क्वालिफिकेशंस मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए, अगर आपका क्वालिफिकेशंस 10th पास है यू कैन डू इट इजीली, आप कर पाओगे कि यहां पर क्वालिफिकेशंस मैटर करता है। देखो दोस्तों आप एक ब्रांड कंपनी में काम करने जा रहे हो तो यहां पर आपका क्वालिफिकेशन सच में मैटर करता है। अगर क्वालिफाइड पर्सन नहीं है नहीं रखेगा वो कंपनी, नहीं लेगा आपको, क्यों लेगा भाई। 8वीं पास तो बहुत सारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 10th पास इवन 12th पास ग्रेजुएट के कैंडिडेट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इनको 10th पास कैंडिडेट नहीं मिलेगा। मिलेगा ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो 10th पास है, 9 आवर्स की ड्यूटी है, वीकली 1 डे ऑफ है, एज का क्राइटेरिया मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। देन रूम चार्जेस, यहाँ पर रूम का चार्जेस जो होने वाला है 500 से 600 रुपये मंथली होने वाला है, जो आपको पेड करना होगा क्योंकि वहाँ पर रूम एडजस्टेड बाई कंपनी है बट नॉट प्रोवाइडेड बाई कंपनी है, फ्री प्रोवाइडेड नहीं है, ओनली फॉर एडजस्टमेंट बाई कंपनी। अब बात करते हैं सैलरीज के बारे में, तो यहाँ पर 9 घंटे 26 डेज इन ए मंथ, 9 घंटे डे बेसिस जॉब्स के जो आपको सैलरीज मिलने वाले 10,500 से लेकर के 12,000 रुपए तक सैलरी मिलने वाले हैं, जो एक इंक्रीजेबल सैलरी है, नॉट ए फिक्सेबल सैलरी। आपका सैलरी टाइमली टू टाइमली इंक्रीज करेगा, लेकिन गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा एफर्ट भी झोंकना पड़ेगा आपको प्रमोशंस के लिए। जैसे कि आप लाइक कंपनी को अच्छा करके दिखा रहे हो तो आपका प्रमोशंस जल्दी होंगे, लाइक आप कंपनी को उतना अच्छा करके नहीं दे पा रहे हो तो आपका प्रमोशंस थोड़ा लेट हो सकता है। सो एवरीबॉडी, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर हमारा इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई जॉब्स की जानकारी देकर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।